इस संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई इच्छा तो पैदा होती है, जरूरत भी है, आवश्यकताएं भी होती है। लेकिन जिस मनुष्य की जितनी कम आवश्यकता होती है वो भगवान के निकट उतना ही होता जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी वो भगवान से उतना ही दूर होता जाएगा, जिसकी जितनी इच्छाएं कम होती जाएगी वो भगवान को अपने निकट ही महसूस करने लग जाएगा। भगवान तो पास में है लेकिन इच्छा हमारी नहीं है ना, इसलिए दूर महसूस होता है। है तो पास में लेकिन हमारी इच्छा नहीं है उसको जानने की, समझने की। हम संसार की इच्छाओं को लेकर के बैठे हैं और उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं। एक हुआ तो दसो, दस हो तो सो की इच्छाएं, सो पा करके मन तृप्त नहीं के सहस्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते राजा के पद तक पहुंचाए, इतने पर भी मन तृप्त नहीं ऐसी ये डायन तृष्णाए। जब तक हृदय में तृष्णाए आत्म पर काश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। भाई बहनों, खुद अपनी अपनी जांच करो, विचार करो, कितने विचार, कितनी इच्छाएं कामनाएं पैदा होती रहती है। वह एक पूरी हुई, वह एक दो महीना बाद दूसरी फिर शुरू हो गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी इच्छाएं फिर पैदा हो जाती। ये प्रोग्राम चलते ही रहता है और ऐसा करते करते जिंदगी पूरी हो जाती पर इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए राजा से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी मेरी तो अब एक ही इच्छा है, क्या? भगवान की प्राप्ति हो जाए बस, क्योंकि मेरे राज महल में सब कुछ है। अब मनुष्य जीवन जिसलिए मिला है वो प्राप्त हो जाए। जो कल आपको बताया था ना, जन्म लाभ पर अंते नारायण स्मृति। जन्म लेने का लाभ, फायदा, प्रॉफिट क्या है? अंतिम वक्त में भगवान की याद आ जाए, सब भूल जाए, शरीर का भी भान न रहे, घर मकान पत्नी पुत्र जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पोता पोती नाती गोती ये कुछ नहीं। फिर अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय। आए न आए चाहे कुटुंब हमारा,
गाइए सब मिलकर विचार करें, अंतिम समय में हमारा कौन है जो हमें मृत्यु के दुख से मुक्त कर दे।